हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राखी मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ यूज़ किया है पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइज़र। तो मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। तो आज हम इस लुक में कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ नहीं करने वाले। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फेयर एंड लवली की ये बीबी क्रीम। तो मैं अपने फेस पर इसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। इसे मैं ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ, आप अपने हाथों से भी कर सकते हो। ये क्रीम अच्छे से हाथों से भी ब्लेंड हो जाती है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ब्रश ना हो तो। इसे ही मैं एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी। अब इसे सेट करने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बेला वोस्ते का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैं अपने बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी इसकी मदद से। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इलरी रोड़ा का आई शेडो पैलेट। अंडर 200 रुपीज़ हमें ये मिल जाता है। तो सबसे पहले ये लाइट ब्राउन कलर में लूँगी और अपने क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी। और इसे ही मैं आउटर व्यू क्रिएट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट मैं ये गोल्डन शेड लूँगी और अपने आई लीड पर अप्लाई कर लूँगी अपनी फिंगर की मदद से। नेक्स्ट ये डार्क ब्राउन कलर लूँगी और ये आउटर व्यू पे अप्लाई करूँगी। आई लाइनर के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का ये आई लाइनर, बहुत ही अफोर्डेबल है। अंडर ₹50 ये हमें मिल जाता है। तो मैं ये एक विंग आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का ये मस्कारा। इसकी मदद से मैं अपर और लोअर लैशेस दोनों को कोट कर लूँगी और जो प्रोडक्ट बच जाएगा उससे ही मैं अपने आईब्रोज सेट कर लूँगी। बहुत ही अच्छा हैक है, आप ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का गेट बोल्ड काजल। इसे मैं अपने वाटरलाइन पे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं आई शेडो पैलेट में से ये लाइटर ब्राउन कलर लूँगी और अपने फेस को कंटूर कर लूँगी। अपने चीक चिन एरिया और नोज़ को भी कंटूर कर लूँगी। तो अलग से कंटूर परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आई शेडो पैलेट के जो कलर्स है उसमें से ही ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब इसे मैं फ्लफी ब्रश लेके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, मुझे कंटूर करना बहुत ही पसंद है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी उसे आई शेडो पैलेट में, ये रेड कलर है, इसे मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर लूँगी। अपने चीक्स और नोज़ पे अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट उसी पैलेट में से ये हाइलाइटिंग शेड लूँगी और अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी अपने लिप्स के ऊपर, ये चीक बोन पे। बहुत ही अच्छा लगता है, आप ये हैक ज़रूर ट्राई करना। अगर आप बिगिनर हो तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक ही आई शेडो पैलेट को ऐसे बहुत सारे वेज में यूज़ कर सकते हो। इसे ही मैं अपने इनर कॉर्नर में आईज़ में अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बेला वोस्ते का ये लिप क्रेयॉन। इसका शेड है ऑन द फ्लोर, मेरा बहुत ही फेवरेट शेड है, आप इसे ज़रूर परचेस कर सकते हो। ब्राउनिश न्यूड शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है। अभी ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब आप देखिए मेरा फाइनल लुक। बहुत ही सिंपल एंड ईजी ये मेकअप लुक है, आसानी से आप क्रिएट कर पाओगे बहुत ही कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करके। आपको फाउंडेशन, कंसीलर, अलग अलग प्रोडक्ट परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप लुक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।